संगरूर जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। कर्मचारी एकता जीत गया, जिंदाबाद जिंदाबाद, पेंशन जिंदाबाद जिंदाबाद, छत्तीसगढ़ के लाखों लाखों कर्मचारी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। देखिए, कर्मचारियों की बहुत बड़ी मांग थी कि पुरानी पेंशन लागू हो, क्योंकि बुढ़ापे का सहारा है पेंशन। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुरानी पेंशन लागू करके छत्तीसगढ़ में लगभग 3 लाख कर्मचारियों को और उनके पूरे परिवार को जो है एक बड़ी सौगात दी है। पूरा का पूरा कर्मचारी जगत और उनका परिवार माननीय मुख्यमंत्री जी का आभारी है। और हम आज का यह ऐतिहासिक निर्णय कर्मचारी जगत में यदि देखा जाए तो माननीय मुख्यमंत्री जी का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा और कर्मचारी जो है सदैव इस उनकी इस सौगात को याद रखेंगे, उनका आभार मानते रहेंगे। देखिए, बहुत बड़ा लाभ है सीधे सीधे उन तमाम कर्मचारियों को जिनको नई पेंशन योजना का लाभ मिल रहा था, अब वो पुरानी पेंशन पाएंगे, यानी उनका भविष्य जो है पूरी तरह सुरक्षित हो गया है। 2.5 लाख से भी अधिक कर्मचारियों का परिवार जो है वो इस योजना के बाद खुद को एकदम सुरक्षित महसूस कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी को इसके लिए बार बार धन्यवाद अदा करते हैं और आज के बजट में ये हमारे लिए सबसे बड़ी घोषणा थी। छत्तीसगढ़ के 3 लाख से अधिक कर्मचारी 2004 के बाद जो छत्तीसगढ़ के माटी में शासकीय सेवा में प्रवेश किए हैं वो पुरानी पेंशन योजना के लिए संघर्ष कर रहे थे। आज इस बात का गर्व है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने 2004 के बाद पुरानी पेंशन योजना लागू कर दिया है। मैं आपके माध्यम से माननीय भूपेश बघेल जी को पेंशन पुरुष का उपाधि देता हूँ और इस छत्तीसगढ़ की माटी में उनका नाम ऐतिहासिक रहेगा। मेरी साधना का शेष रहना चाहिए, मैं रहूं या न रहूं, मेरा देश रहना चाहिए, भूपेश बघेल जी का नाम सदा अमर रहेगा कि बुढ़ापे का सहारा पेंशन। और इससे हिंदुस्तान में पहला मांग है जिसमें सरकारी कर्मचारी को भी लाभ था और सरकार को भी लाभ था। प्रति माह 221 करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ सरकार का बचेगा, 111 करोड़ रुपया मेरे लाखों कर्मचारियों का बचेगा। और उसके बाद वो मोदी जी का बम्बई में जो ट्रस्ट बनाए हैं NPCL, वहाँ 15,000 से 20,000 करोड़ छत्तीसगढ़ का पैसा जमा है, वो वापस आ करके छत्तीसगढ़ के विकास में, किसान के, बेरोजगारों के विकास में काम आएगा। मैं बहुत बहुत हृदय से माननीय भूपेश बघेल जी को धन्यवाद देता हूँ। हाँ सर, इस बारे में हम लोग को जैसे ही सूचना मिली है कि हम मुख्यमंत्री हमारे कर्मचारियों के लिए इतना अच्छा सौगात पेश किए, हम लोग खुशी के मारे अपने सीट से उठ के यहाँ पर बिल्कुल साथ देने के लिए हाजिर हो गए हैं। और हम लोग अपने मुख्यमंत्री जी का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। हम और हमारे जैसे अनेक कर्मचारी इससे लाभान्वित होंगे, उनका परिवार, हमारे आगे की उम्र सब कुछ सिक्योर हो जा रही है। इसके लिए हम बहुत ज़्यादा और हम लोग बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं अपने।